चलो भाई 189। तो ये एसपी बक्से साहब की बुक से कुछ अच्छे वर्ड्स थे, उसको मैंने ले लिया है, उसको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें केवल मैं उसका मीनिंग बता रहा हूँ आपको और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, वो उसको याद रखना है आपको कि भाई ये ब्रिंग राउंड का मतलब किसी को कन्वेंस करना, सेटिस्फाई करना, अपनी बात से सहमत कराना, ठीक है। और ब्रिंग अबाउट आता है तो कोई चीज़ किसी चीज़ की वजह बनना, कारण बनना, कोई ना कोई घटना घटित हुई। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये शायद मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, कॉल के साथ ऑन भी आता है, कॉल के साथ एट भी आता है, कॉल के साथ इन भी आता है और कॉल के साथ फोर भी आता है। ये चार वर्ड हैं आपके, देख लीजिए। वर्ड एक है, मतलब कॉल वर्ड सेम है, लेकिन प्रीपोजिशन जैसे ही हमने चेंज करी उसका मीनिंग चेंज हो गया। इसी को हम वर्बल फ्रेज कहते हैं। तो कोई डिफरेंस पूछे आपको तो मुहावरे अलग होती हैं, कहावतें होती हैं, वो स्टेटमेंट होते हैं। बड़े बुजुर्ग ने जो एक्सपीरियंस होल्डर हुआ करते थे उन्होंने वो कहावतें मुहावरे दिए, लेकिन ये वर्ब हम इनको जानते हैं। कॉल माने पुकारना होता है, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे पुकारा। लेकिन जब ये वाले वर्ड लग जाते हैं तो वर्ड लगते ही उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो वो मैं हर वर्ड को आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको अदर से कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट ना हो। हाँ भाई, कॉल ऑन की बात करते हैं तो जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मीट पर्सन, ठीक, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम कहते हैं कॉल ऑन। जैसे राम मोहन से मिला, राम कॉल्ड ऑन मोहन, ठीक है। मैं प्रिंसिपल से मिला, आई कॉल्ड ऑन प्रिंसिपल। अब आपकी इच्छा है, मीट की सेकंड फॉर्म मैट होती है, मैट लगा दें, आई मैट प्रिंसिपल, राम मैट मोहन, वो एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ फ्रेजल वर्ब्स की बात कर रहे हैं तो ऑन का मतलब एक व्यक्ति से मिलना। यहाँ पर मीट करना है, विजिट करना है, मीट और विजिट। लेकिन यहाँ पर किसी प्लेस को आप किसी प्लेस को देखने गए, सपोज कीजिए ताजमहल देखने के लिए गए, तो कॉल ऑन नहीं आएगा, आई कॉल्ड एट। एट जो है वो हमेशा प्लेस को इंडिकेट करता है, प्लेस स्थान को इंडिकेट करता है। कॉल जो है वो एट जो होता है वो प्लेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, कॉल इन। हाँ भाई, कॉल इन का मतलब क्या होता है? कॉल इन का मतलब होता है इन या आउट, दोनों वर्ड हैं, कॉल इन या आउट। सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए भेजो, सेंड फॉर हेल्प। जैसे हम कहें कॉल इन पुलिस, ठीक, सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए। कॉल इन क्वेश्चन भी एक idiom से, लेकिन वो कॉल इन क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ, तो कॉल इन करना, बुला लेना, सेंड फॉर हेल्प, ठीक है, भेजो भाई, मदद के लिए भेजो, तो उसके लिए ये वर्ड है। एक होता है जस्ट फॉर, कॉल फॉर, केवल कॉल फॉर, कॉल फॉर डिमांड, डिमांड या रिक्वायर, ठीक है। कंपटीशन कॉल्स फॉर एफर्ट्स, कंपटीशन की डिमांड क्या है? कंपटीशन डिमांड करता है कि आप मेहनत करें, एफर्ट करें, ठीक है। तो ये चारों वर्ड हैं, फिर एक बार समझ लें। कॉल के साथ ऑन है तो मीट अ पर्सन या मीट समवन, ठीक। कॉल एट है तो किसी प्लेस पर आप जाएंगे देखने, लेकिन कॉल के संग इन और आउट है तो किसी को सेंड फॉर हेल्प, मदद के लिए भेजो। कॉल इन पुलिस आपने सुना होगा, तो मदद के लिए बुलाओ या भेजो। कॉल फॉर का मतलब है किसी चीज की रिक्वायरमेंट होना, डिमांड, रिक्वायर। आज टाइम की डिमांड क्या है? टेक्नोलॉजी। तो टुडे टाइम कॉल्स फॉर टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजिकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसमें हम ये वर्ड आपके आते हैं, तो सारे वर्ड एक वर्ड में ही काउंट कर लें। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉल इन या आउट का मतलब सेंड फॉर हेल्प होता है, कॉल एट किसी स्थान पर जाना, कॉल फॉर, ये सब वर्ड आपको ध्यान रह जाएंगे। और एग्जाम में, जब एग्जाम में ये वर्ड आएंगे तो ये स्ट्राइक करेंगे आपके माइंड को, स्ट्राइक करेंगे, फिर वो एकदम सही हो जाएगा आपका सेंटेंस, इसलिए कोई डाउट वाली बात आपकी नहीं आएगी। तो ये वाला वर्ड भी आपका हो गया। नेक्स्ट वर्ड, कैरी अवे। कैरी
कैरी अवे, और यहाँ पर बाय भी आता है अक्सर, वैसे मेन कैरी अवे, अक्सर बाय आता है, कैरी अवे बाय। तो यहाँ पर है लूज कंट्रोल, और एक है कैरी थ्रू। यहाँ पर थ्रू लगा दिया, कैरी थ्रू, कंप्लीट सक्सेसफुली, कंप्लीट सक्सेसफुली। ये वर्ड आपने, एक वर्ड देखता हूँ अगर कोई वर्ड है इसका कैरी का और वर्ड कोई वर्ड है, वैसे तो यही दो वर्ड मेन है। हाँ यही है जी, दो ही वर्ड है इसमें। तो कैरी अवे, लूज कंट्रोल, भाई परेशानियाँ आई और आपने नियंत्रण खो दिया, तो कैरी अवे। कैरी अवे आते ही समझ लीजिए आपका नियंत्रण आपके ऊपर से खो गया। यहाँ पर कैरी थ्रू, कैरी थ्रू, थ्रू आते ही आपको समझ लो कि आपने कोई काम, आई कैरी थ्रू, इसका मतलब आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। आई कैरी थ्रू द एग्जाम है, मान लीजिए आई कैरी थ्रू द डिफिकल्टी, इसका मतलब आपने डिफिकल्टीज़ को अच्छी तरीके से फेस किया है, तो कंप्लीट सक्सेसफुली, किसी काम को कंप्लीट सक्सेसफुली करना, कैरी थ्रू, तो डिफरेंस अपने आप समझ में आएगा एग्जाम के अंदर। वो देखो कोई भी चीज़ तीन तरीके से आती है, एक तो आता है स्पॉटिंग द एरर्स, बिल्कुल सही है स्पॉटिंग द एरर, वहाँ पे कैरी अवे लिख देंगे, आना चाहिए था कैरी थ्रू, ऐसे भी कर लेते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा एक इम्प्रूवमेंट में किया था पुट ऑफ, द नेम्स ऑफ डिफॉल्टर्स हैव बीन पुट ऑफ, पुट ऑफ की जगह स्ट्रक ऑफ आया था, क्योंकि नाम काटने के लिए स्ट्रक ऑफ आता है, स्ट्राइक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्ट्रक होती है, तो वहाँ पर वो आता था। तो आप समझ जाओ कि इस तरीके से चीज़ें आती हैं, क्लियर। तो दूसरा वर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया, ये काउंट दो में करेंगे आपको, है ना, ये मतलब चाहे उस कैटेगरी के वर्ड में चार प्रीपोजिशन आ रही है, वर्ड के कल एक में ही काउंट होगा, तो ये भी आपका हो गया कंप्लीट। चलो जी नेक्स्ट है, एक वर्ड है, एक ही वर्ड है ये, जो भी वर्ड चल रहा है मैं उसको बस एक ही डाल लूँ, क्योंकि अब तो सब नए नए वर्ड चल रहे हैं, ब्लो, और इसके साथ ओवर लगा। ब्लो की सेकंड और फर्स्ट फॉर्म तो ब्लो है, इसकी सेकंड होती है ब्लू और थर्ड होती है ब्लोन, BLOWN। ब्लो मींस होता है हवा चलना, ठीक ठीक है, फ्लो मींस पानी का बहना, फ्लो फ्लोड भी कह देते हैं, फ्लू फ्लोन भी होता है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ओवर आ गया तो यहां पर देखें क्या लिखा है, पास ऑफ, कोई चीज गुजर जाए, पास ऑफ विदाउट हार्म, विदाउट हार्म, या कम टू एन एंड, कम टू एन एंड, क्लियर, किसी चीज का अंत होना, प्रॉब्लम्स ब्लू ओवर, प्रॉब्लम्स सब खत्म हो गई हैं, गुजर गई हैं, चलो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो उसको हम ब्लो ओवर कहते हैं, तूफान छट गया है, जैसे कहते हैं तूफान समाप्त हो गया, ये उस सेंस में आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं तक भी कोई वर्ड की। नए नए वर्ड आ रहे हैं, बहुत अच्छे वर्ड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको स्पेशली आपको ध्यान रखना है, और ये एग्ज़ाम में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपके आते रहते हैं, ये वो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। एक बार आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप आराम से न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे उस वहाँ भी क्लियर, ब्लो ओवर, अबे ये चल रहा था स्ट्रगल चल रहा था, ये डिफ़िकल्टी चल रही थी, कहीं डिस्प्यूट हो रहा था, ब्लो ओवर, अच्छा समाप्त हो गया जी, कम टू एन एंड, ठीक। एक नया वर्ड है, नया वर्ड, कैच अप विद, यानी कि इसको हम ऐसे कर लें, कैच अप विद, इसमें है कंप्लीट पेंडिंग वर्क, कंप्लीट जो आपका पेंडिंग वर्क था उसको कंप्लीट कर लिया, या मेकअप, मेकअप का मतलब भी मेकअप फॉर डेफिशिएंसी,
कोई कमी आ गई थी उसको मेकअप करना, पूरा करना, क्लियर, फॉर डेफिशिएंसी, क्लियर है। तो कैच अप विद, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई स्टूडेंट नहीं आया, काफ़ी दिन से क्लास वो मिस हो रही है उसकी, जब क्लास मिस हो रही है तो उसका काफ़ी वर्क पेंडिंग हो गया। अगर हम कहें ही कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट होती है, ही कॉट अप विद, तो इसका मतलब समझ जाओ उसने वो जो था जो काम जो था, कोई हानि जो थी, डेफिशिएंसी मींस हानि, उसको कंपनसेट कर लिया, यानी कि जो गैप था उसको पूरा कर लिया, उसको कहते हैं कैच अप विद, ठीक है, कैच अप विद। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छे वर्ड हैं, बहुत एडवांस वर्ड हैं ये, और ये आपको यूज़ भी नहीं करने होते वहाँ पर, वहाँ पर केवल आपको उसका मीनिंग बताना होता है। वहाँ पे आएगा कि एक स्टूडेंट बहुत लंबे समय से एब्सेंट चल रहा था, या गवर्नमेंट को ऐसे ऐसे कुछ लॉस हुआ, लेकिन बाद में उसको एफर्ट के द्वारा, उसने मेहनत के द्वारा इसको अपना सब जो गैप था उसको फिल कर लिया, तो आप समझ जाइए अच्छा कैच अप विद था भाई ये, तो कैच अप विद। नेक्स्ट आएंगे तो कैच अप विद हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं आप बता रहा हूँ, ये कई बार आया हुआ है, और ये देखो आया हुआ कैसे बताता हूँ आपको, कम विद, कम कॉप विद, और इसका मतलब होता है मैंने, ये वर्ड कई बार आया है, और देखो कितनी बार करेक्शन में आया है, ये अक्सर ऐसे देते हैं गलत करके, कॉप अप विद, जो कि क्या वर्ड है, कॉप विद है, ये अप करके देते हैं, बहुत सारी जो स्पोर्टिंग एरर्स आती है उसमें कॉप अप विद होता है, जो कि वही गलती है, कॉप अप होता है, कॉप अप नहीं होता, कॉप विद होता है। इसका मतलब जैसे पुलिस है, क्राउड है, पुलिस ने कॉप्ड विद द क्राउड, उसको मैनेज किया, बहुत सारा काम था, आपने कॉप्ड, यू कॉप्ड विद द वर्क, ठीक है, आपने काम को मैनेज किया, तो उस सेंस में आपका कॉप विद आता है, कॉप अप नहीं आता, ये गड़बड़ है, सही है, ये गड़बड़ है, और इसमें एग्जाम में अक्सर यही प्रॉब्लम्स बहुत बार देखी गई है, ठीक है, ये वाला वर्ड कॉप विद बहुत ज़्यादा आता है। देखो ये कैच अप विद था, वो अप था कैच के साथ, कैच अप विद, वो क्या करते हैं कॉप के साथ भी विद लगा, कॉप अप लगा देते हैं, अब भाई भी बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, तो कॉप अप नहीं है, कॉप विद है। चलो इसको इतना ही रखते हैं।